बिहार के बेगूसराय में एक चावल चोर प्रिंसिपल सामने आए। बेगूसराय में एक प्रिंसिपल मिड डे मील का चावल चोरी कर रहा था और वो इस चावल को स्कूल के पास ही टॉयलेट की टंकी में रखता था। लेकिन स्कूल के पास बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी बॉल टॉयलेट की टंकी में जा गिरी। इसके बाद बच्चों ने अंदर जाकर देखा तो चावल की बोरियां दिखी। इसके बाद बच्चों ने गांव वालों को बताया और एक एक कर वहाँ से चावल की 10 बोरियां निकाली गई। मामला बछवाड़ा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ रविवार को शौचालय टंकी से मिड डे मील की 10 बोरी चावल बरामद हुआ। दरअसल बच्चों गेंद शौचालय की टंकी में जा गिरी और उसे निकालने के दौरान ही चावल की बोरियां नजर आई। बता दें कि इससे पहले भी स्कूल के हेडमास्टर योगेंद्र सैनी चावल चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। रविवार शाम स्कूल कैंपस में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी बॉल गेंद टंकी के अंदर जा गिरी। जब बच्चों ने टंकी का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें चावल की बोरियां भरी पड़ी थी। चावल की बोरी होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चावल की बोरी निकालकर उन्हें जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।